सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। वाधायूं, वाधायूं, वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी के वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुन जो सिंधियुन सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। बदलापुर प्रकरण के आरोपी मृतक अक्षय शिंदे की अंत्यविधि का उल्लासनगर में करने को लेकर स्थानिक इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण कैंप 3 शांतिनगर शमशान भूमि में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त देखने को मिला। वहीं विरोध करने वाले कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेने की भी जानकारी सामने आई है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल बदलापुर के एक निजी स्कूल में बच्चियों के साथ अत्याचार प्रकरण के आरोपी अक्षय शिंदे का 23 सितंबर को पुलिस के साथ हुए अचानक इनकाउंटर में मौत को लेकर अब 7 दिन बीत चुके हैं, पर अब तक उसके अंतिम संस्कार को लेकर जगह मिली नहीं है। सोमवार तक अंत्यविधि की जाएगी, ऐसी गवाही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी थी, जिसे लेकर उल्लासनगर के शांतिनगर शमशान भूमि में अक्षय शिंदे का अंतिम संस्कार किए जाने का पुलिस ने निर्णय लिया था, जिसे लेकर वहां गड्ढा भी खोदा गया, जिसकी जानकारी स्थानिकों को मिलते ही इसका विरोध शुरू हुआ। अक्षय शिंदे की अंत्यविधि बदलापुर में करने का पहले ही स्थानिक आमदार किशन कथोरे ने इसका विरोध किया था। अक्षय शिंदे के कुटुंब ने अंबरनाथ के हिंदू शमशान भूमि में भी बात की, पर वहां भी शिवसेना और मनसे ने इसका विरोध किया था। वहीं उल्लासनगर में अंत्यविधि को लेकर विरोध किया जा रहा है। उल्लासनगर शिवसेना शिंदेगढ़ और बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है, जहां महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने विरोध करते हुए शमशान भूमि में खोदे गए गड्ढे को बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। मुझे ये अभी जानकारी मिली है और मैं ये जानकारी लेते हुए अभी आके देखा तो इधर खड्डा हुआ है। ये किस लिए किया है, क्या किया है, जानकारी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि अक्षय शिंदे की जो बदलापुर में उन्होंने कुत्ते किया है उसका निषेध महाराष्ट्र ने पूरा किया, पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है, उसकी बॉडी अगर इधर दफन होती है तो उसका विरोध हम लोग करेंगे। वो ऐसे नराधम की बॉडी या ऐसे जो कृत्य करने वाले की बॉडी इधर या अच्छे हमारे उल्लासनगर के पवित्र भूमि में दफन नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्य शासन ने जिम्मेदारी ली है और वो अहवाल सादर करने वाले सोमवार तक, तो आप सत्य में क्यों विरोध हो रहा है? राज्य सरकार की वो जवाबदारी, राज्य सरकार अपनी जवाबदारी कैसे निभाने की वो देखेंगे, लेकिन हमारा जो बदलापुर में जो विरोध हुआ है वो विरोध यहाँ पर भी होगा। उधर भी सत्य में लोग थे, आमदार उधर के, उन्होंने विरोध किया, इधर हम भी विरोध करते हैं उसका। मतलब इसमें पूरा राजकारण, राजकारण का विषय नहीं है। जो ऐसे कृत्य करने वाले नालायक का बॉडी यहाँ पर दफनाने हम नहीं देंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।